इस पे से हटा देते अपन ने स्टूडेंट आईडी पे से प्राइमरी की, तो आपको शो हो गया। अब आ जाएगा इसमें बना लेंगे 1 to 1 और 1 to many। एक और होता है आपका, वो होता है आपका 1 to, सॉरी एक तो हो गया 1 to 1, एक हो गया 1 to many। अब जो थर्ड रहता है वो रहता है आपका मैनी टू मैनी। अब मैनी टू मैनी कैसे बनता है, जो आपका मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बनता है वो दो से मिला के, मतलब 1 to many और 1 to many दोनों से मिला के क्या बनता है, मैनी टू मैनी। अभी तक अपन सिर्फ दो टेबल से यूज कर रहे थे, 1 to 1 के लिए और 1 to many के लिए दो टेबल ले रहे थे आप। कौन कौन सी सिर्फ टीचर आई डी और स्टूडेंट आई डी, उसके लिए आपको 8 टेबल और अलग से तैयार करनी पड़ेगी। मतलब जब आप मैनी टू मैनी का यूज करोगे उसके लिए आपको 8 टेबल और अलग से लेनी पड़ेगी। और अभी आप देख रहे हैं स्टूडेंट आई डी 1 में मैंने कितनी इन्फॉर्मेशन ली थी, स्टूडेंट आई डी और स्टूडेंट नेम यही लिया था, और इसमें आपने क्या लिया था, टीचर आई डी, टीचर नेम और स्टूडेंट आई डी, इतनी इन्फॉर्मेशन ली थी आपने। अब जब आप मैनी टू मैनी बनाइए उसमें जब आप एक टेबल तैयार करें उसमें क्या होना चाहिए, एज फील्ड डुप्लीकेट होना चाहिए जो सब में सेम हो, तो एज फील्ड ऐसी होना चाहिए जो सब में सेम हो, तो वो हम आपको कल बता देंगे। अभी आप दो बनाना, 1 to 1 और 1 to many, इतना आ जाएगा आपको, इतना बना लेंगे। मैनी टू मैनी वाला रिलेशनशिप हम आपको चल बता देंगे। अब उसके बाद हम आपको बताते हैं, जैसे कि अब आपको यहाँ पे ये है एक्सेल लिखा है, अब जैसे कि आप चाहते हो आपका डेटा एक्सेल में कन्वर्ट हो जाए, जैसे कि अपनी डेटा नाम की टेबल थी आपने पूरा डेटा किसमें बनाया है, एम एस एक्सेल में तैयार किया है, आप चाहते हो ये जब ना एम एस एक्सेल होता है उसमें कन्वर्ट हो जाए। देखिए आपने एक्सटर्नल डेटा पे क्लिक किया, लिखा आ रहा है यहाँ पे एक्सपोर्ट, ठीक है। अब आपने यहाँ से एक्सेल पे क्लिक किया, डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाए। अब आपको फाइल नेम बता रहा है जहाँ पे सेव हो रहा है अपने सी ड्राइव में हो रहा। अपन क्या करते हैं यहाँ से ब्राउज पे क्लिक करते हैं, आपने इसको यहाँ से लोकेशन दे दी एच ड्राइव, सेलेक्ट करेंगे आप एच ड्राइव। अब आप इसे फाइल नेम क्या देना चाहते हैं, डेटा के नाम से करते हैं, अगर आप नाम चेंज करना चाहते हो तो आप नाम चेंज कर लेना। देखिए अब सेवर्स ड्राइव में क्या आ रहा है, एक्सेल वर्कबुक आ रहा है, आपने इसको क्या किया सेव कर दिया, देन आपने इसको यहाँ से ओके कर दिया। अपन इसको यहाँ से सेव एक्सपोर्ट एक्सप्रेस पे आपने क्लिक किया और सेव एक्सपोर्ट पे आपने क्लिक कर दिया, ठीक है। अब अपन इसको यहाँ से मिनिमाइज करते हैं, आपने कहाँ सेव किया था, दिस पी सी एच ड्राइव में, डेटा के नाम से किया था, इसको अपन यहाँ पे ओपन करते हैं। देखिए यही था, ये इन्फॉर्मेशन थी जो आपने उसमें फिल की थी, अपन वहाँ पे फिर से चेक करते हैं। देखो सबसे फर्स्ट नाम क्या था, अजय, पापा का नाम क्या था, मिस्टर अजय फोर्स पी जी डी सी, यही आ रहा है यहाँ पे अजय मिस्टर अजय फोर्स पी जी डी सी। फिर यहाँ पे इनका मोबाइल नंबर आ रहा है, यहाँ पे ईमेल आईडी, ये अपन इस कॉलम का साइज थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, इन्फॉर्मेशन अपन को अच्छे से यहाँ पे शो होने जाएगी। अब आप देखना यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, ट्रू और फॉल्स आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, ट्रू मतलब कौन, अपन ने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लिया जिसमें अपन ने वहाँ पे सोल्व कर लिए थे, उस पर अपन ने लिखला दिया था, यही किया था अपन ने, उसके लिए वो क्या है ट्रू है, और जिस पे टिक नहीं लगा वो क्या है फॉल्स। बताना स्ट्रैक्स एक्सेल में अभी थोड़ा सा चेंज हो गया लेकिन बाकी पूरा डेटा आपका वही है। और ये जो अपन ने फोटो लिए थे उसी जगह पे उसने क्या कर दिया, उसमें क्या शो करता था आपको, फोटो बताता था, उसमें अपने फोटो के लिए 1 और 2 लिखा आता था, जैसे आप फोटो अटैच करते थे आपने इसमें फोटो अटैच कर लिया था क्या लिखा आता था, 1-1 लिखा आ रहा सर आता। अब इसमें क्या बता रहा वो आपको, फोटो का नाम, जो भी फोटो आपने अटैच किया है उसका नाम क्या है, जिस नाम से वो अपने पास सेव था, जैसे कि अभी अपन यहाँ चलते हैं, आपने इसमें जो फोटो अटैच किया वो आपने यहाँ से किया था, अपन इस पर डबल क्लिक करते थे, पहले इस फोटो को अपन ने रिमूव कर दिया, आप ऐड करते थे, आपने कहाँ से ऐड किया था, एफ ड्राइव में से किया था, एफ ड्राइव में जैसे अपना था यहाँ से वॉलपेपर नाम के फोल्डर में ये, ठीक है। अब जैसे आपने यूनी इमेज सिलेक्ट की, इसका नाम क्या था, डाउनलोड 1 था, अपन ने ओपन कर दिया था और ओके कर दिया था, ऐड हो गया था यहाँ। ऐसे एक्सेल में आपने होता है इसका नाम क्या था, ए बी सी, इसका नाम क्या था, डाउनलोड, इसका क्या था, इमेज 7 के नाम से, जिस नाम से वो वहाँ पे थी नहीं वो नाम आपको एक्सेल में आके उसने शो करवा दिया आ जाएगा। मतलब आप अपने एम एस एक्सेल का डेटा एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे ये होता है जैसे कि आप चाहते हो जो अपना एम एस एक्सेल में डेटा बना है वो अपना एक्सेल की शीट में आ जाए, ताकि आपको एक्सेल में फिर से डेटा पूरा टाइप ना करना पड़े, एज में तैयार कर लिए। अब जैसे आपसे बोल दिया जाता है आपका जो डेटा है
वो हमें एमएस एक्सेल में भी चाहिए और सेम डेटा हमें एमएस एक्सेल में भी रखना है, दो में रखना है। अब आपके दो में बार बार टाइप करोगे, आपने एक में तो एक बार टाइप कर लिया एमएस एक्सेल में, अब आप चाहते हो आपको एक्सेल में टाइप ना करना पड़े, वही डेटा अपना एक्सेल में आ जाओ, अपन उसको क्या कर देते हैं यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे, वो किस में आ जाएगा अपना एक्सेल में आ जाएगा। ऐसे आपने उसको यहाँ से एक्सेल में कर लिया, कर लो ये अपना आ जाएगा, इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, बना लेना।